रतलाम से इंदौर जा रही डेमू ट्रेन में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। रतलाम अम्बेडकर नगर डेमू ट्रेन 09390 में चलते समय आग लगी। ट्रेन इसी हालत में करीब 10 किलोमीटर चलती रही, फिर आगे जाकर रुकी। आग ड्राइविंग मोटर कोच इंजन में लगी थी। लपेटों ने बगल की बोगी को भी जलाकर कबाड़ कर दिया। समय रहते यात्री ट्रेन से उतर गए, सभी सुरक्षित हैं। ट्रेन रतलाम से सुबह 6:35 बजे डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए रवाना हुई थी। रतलाम से 17 किलोमीटर दूर नोगावा स्टेशन है। यहां से क्रॉस होकर ट्रेन 4 से 5 किलोमीटर आगे बढ़ी होगी, तभी ड्राइविंग मोटर कोच के जनरेटर से चिंगारियां उठती देखी गई। ट्रेन में कुछ यात्री बोगियों के बीच में लगा हुआ था। इस कोच में एक लोको पायलट भी था। हवा के कारण आग तेजी से फैलते हुए बगल वाली बोगी तक फैल गई। इंजन से उठती लपटें देख बगल वाली बोगी के यात्री घबरा गए। उन्होंने चेन पुलिंग करने की कोशिश की, लेकिन इतने में सुबह करीब 7 बजे ट्रेन प्रीतम नगर स्टेशन पर आकर ठहर गई। नौगांवा से प्रीतम नगर की दूरी 17 किलोमीटर है। ट्रेन रुकते ही यात्री दौड़ते कूदते हुए स्टेशन पर उतरे। अब तक आग इंजन से लगी बोगी को भी चपेट में ले चुकी थी। सुबह 7:50 फायर ब्रिगेड टीम भी मौके पर पहुंच गई। 8:10 आग पर काबू पा लिया गया था। ड्राइविंग मोटर कोच और एक बोगी पूरी तरह जल गई। ड्राइविंग मोटर कोच के आधे हिस्से में इंजन और आधे हिस्से में यात्रियों के लिए बोगी अटैच होती है। रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा के अनुसार आग ट्रेन के ड्राइविंग मोटर कोच के जनरेटर में लगी थी, इसके बाद बोगी तक फैल गई। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।